नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक लखनऊ के ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्हें किंग ऑफ द एजुकेशन कहा जाता है। काफ़ी उम्रदराज व्यक्ति हैं और ये हैं लखनऊ के CMS स्कूल, जो एक प्रतिष्ठित स्कूल की चेन है। कुल 21 ब्रांच हैं लखनऊ में CMS के, और आपको पता होगा और इस ब्रांच से पढ़े हुए बच्चे पूरी दुनिया में हैं इस समय। और इसके चेयरमैन श्री जगदीश गांधी जी इस वक्त हमारे साथ हैं यूपी न्यूज़ से बात करने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जगदीश सर, आपका स्वागत है यूपी न्यूज़ में। और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपनी संपत्ति को क्यों डिक्लेयर किया? देखिए, ये संपत्ति हम इसलिए डिक्लेयर करते हैं कि विद्यालय कोई व्यापार नहीं है, विद्यालय समाज की सेवा है। और सेवा है और व्यापार नहीं है तो आपको बताने में क्या हर्ज है कि आपके पास क्या संपत्ति है। और ये पब्लिक को जानना चाहिए कि शिक्षा में कोई भी व्यापार नहीं करना चाहिए, और व्यापार करेंगे तो बच्चों की ज़िंदगी आप अच्छी नहीं बना पाएंगे। बच्चों को साधारण ज़िंदगी आप दे सकते हैं, लेकिन यदि आपको बच्चों को योग्य बनाना है और उन्हें बहुत ही महान बनाना है। अब CMS के बच्चे पूरे इंडिया में ICSE में ISC में 12th और 10th की परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में टॉप करते हैं। 4 बच्चे लास्ट ईयर टॉप किए पूरे इंडिया में, और एक लड़की ने पूरे इंडिया में 10th में टॉप किया। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और जापान की यूनिवर्सिटीज़ में भर्ती हो रहे हैं, और वो भी बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप ले करके। लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंजीनियरिंग में, मेडिकल में आ रहे हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्लैट में आ रहे हैं। IAS, PCS लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन बनते हैं हमारे बच्चे। कभी भी आपने किसी दंगा फसाद या कोई अनुशासनहीनता CMS के बच्चों की नहीं सुनी होगी। 6,000 बच्चे इस समय हैं आपके लखनऊ, 60,000 बच्चे हैं अगर स्ट्रेंथ है इनके CMS के, जो 21 ब्रांच है लखनऊ में। तो सर, आपने अभी बताया कि आपने अपनी संपत्ति क्यों डिक्लेयर की, अब हमें हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि वो संपत्ति आपके कितनी है और क्या क्या है। देखिए, हमारे पास 14,48,405.17 रुपये की संपत्ति है। हमारे बैंकों में इंडियन बैंक हुसैनगंज लखनऊ में सेविंग बैंक अकाउंट नंबर 20296581190 में 1,80,969.40 रुपये। इंडियन बैंक हुसैनगंज लखनऊ सेविंग बैंक अकाउंट नंबर 20296592678 में 1,95,934 रुपये। इंडियन बैंक हुसैनगंज लखनऊ सेविंग बैंक अकाउंट नंबर 20296585681032 में 2,57,719.34 रुपये। येस बैंक लिमिटेड लखनऊ में सेविंग बैंक अकाउंट नंबर 00189070003782 में 55,637.33 रुपये। तो इस तरह हमारी बैंकों में 6,90,260.32 रुपये। हमारे पास कैश इन हैंड हमारी वाइफ के पास 2,35,700 है, और हमारे पास कैश इन हैंड 85,220 है पहली अप्रैल को। और बाकी जो संपत्तियां हैं वो हमारे पास हैं 2,58,463 रुपये की। तो ये हमारी कुल संपत्ति हैं, और ये हम पूरा विवरण सब अखबारों में दे दिए हैं आज। और तो ये बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी परंपरा है जो आपने संपत्तियों का डिक्लेयर किया। एक संपत्ति आपके पास और है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं या जानने के इच्छुक होंगे ज़रूर, आपकी सेहत। आपकी उम्र 80+ है? 88 साल की। 88 साल की उम्र में आप इतने एक्टिव हैं, तो ये जो एजुकेशन है सेहत वाली, ये भी एक एक विशेषता है आपकी। तो ये कैसे है कि मन में पवित्रता हो
तो सेहत भी बढ़िया रहती है और 12 से 14 घंटे हम काम भी कर लेते हैं। तो मन में पवित्रता हो और उद्देश्य ऊंचा हो तो फिर कोई दिक्कत होती नहीं है। तो आपके जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं या जो पढ़ के निकल गए हैं, 60,000 बच्चों की स्ट्रेंथ बताई आपने CMS की, तो उन बच्चों को यूपी न्यूज़ के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या एक ही संदेश है बच्चों को कि बच्चे अच्छे चरित्रवान बने, अच्छे बने, विद्वान बने, बहुत योग्य बने, तो बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे देश के बच्चे सारे दुनिया में छा जाएं और दुनिया को भी मार्गदर्शन दें। तो ये थे जगदीश गांधी जी, जिनका कहना है कि इनकी पूरी कोशिश होती है कि पूरी की पूरी पीढ़ी और जो भी बच्चे इनके यहाँ पढ़ रहे हैं, जो स्ट्रेंथ है इनकी, उनको वो एजुकेट करें, एजुकेट करने के साथ साथ जो है उन्हें एक अच्छा इंसान भी बनाएं। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी न्यूज़, जिसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। बंधुओं का, भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप इस कड़ी गर्मी में कृपा करके यहाँ आए तो हम बहुत आपके आभारी हैं। प्रिय मित्रों, ये प्रतिवर्ष की बात, इस वर्ष हमने अपने जो पर्सनल असेट्स हैं वो हमने वेबसाइट पे डाले हैं। दो वेबसाइट हैं, एक तो CMS की वेबसाइट पर और दूसरा जगदीश गांधी फॉर वर्ल्ड हैप्पीनेस .org पर, दोनों में ये वेबसाइट डाली और ये सभी अखबारों आज हम दे रहे हैं। और आज ये पहली बार सारे अखबारों आज हम इस वर्ष के लिए दे रहे हैं। हम 5 साल MLA रहे हैं, 69 से 74 तक, और हमें पेंशन मिलती है। और इसके अलावा हमने 63 वर्षों से हम ये CMS चला रहे हैं। इस जो आपको न्यूज़ मिली उसमें हमने अपने दस्तखत, हमारी वाइफ के दस्तखत और हमारे जो ऑडिटर हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके दस्तखत। हमारे पास आज की डेट में, पहली अप्रैल की डेट में, 14,48,405 रुपये की कुल संपत्ति है। वी डू नॉट हैव एनी पर्सनल लैंड प्रॉपर्टी और ओन। हमारे पास कोई लैंड प्रॉपर्टी या ओन हाउ, अपना कोई मकान नहीं है। वी आर लिविंग ऑन रेंट फॉर द पास्ट 64 ईयर्स। हम 64 वर्षों से किराए पर रह रहे हैं। और वी डू नॉट हैव फॉरेन करेंसी, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी और ऑर्नामेंट, कोई हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं और कोई ज्वेलरी या ऑर्नामेंट। वी डू नॉट हैव एनी करेंट अकाउंट इन एनी बैंक, कोई चालू खाता नहीं। वी डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर आवर ओल्ड एज, हमारे बुढ़ापे के लिए कोई आज फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं। वी डू नॉट हैव एनी लॉकर इन एनी बैंक और एनी वेयर एल्स। वी डू नॉट एनी